Good evening, all of you. My audio and video both are clear. ओके चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लास्ट कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस करना है हमें बाकी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है इन इक्वेलिटीज यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स इनइक्वेलिटीज यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स लास्ट कंसेप्ट ठीक है यस सम स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग यस तो मैंने बीबी सिक्स और सेवन दिया था बना आप लोगों से बिगनर बॉक्स और दिया था उसका सॉल्यूशन भी सेंड कर दिया और बीबी सेवन भी दिया था बीबी सेवन काफी इजी है बीबी सिक्स है लोकेशन ऑफ रूट्स पर हाँ बीबी सेवन काफी इजी था है ना बस थोड़ा सा एपी जी पी का कहीं फॉर्मूला लग रहा था ओके okay. <coughs> चलिए है ना अभी स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग बस लास्ट है आज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा आज क्या फ्राइडे से है ना थर्सडे हमारा बैच नहीं है फ्राइडे और सैटरडे इन दोनों दिन सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज कंप्लीट हो जाएगा टाइम ऑफ क्लास आज का देखो मेरे इंडिविजुअल जो शेड्यूल था मेरे पास उसमें तो मेरा लेक्चर अभी शेड्यूल था आपके जो आपके बैच में जो शेड्यूल था आपके ग्रुप पर उसमें इंटरचेंज था है ना तो वो कुछ मिस्टेक हुई होगी ठीक है कुणाल ओके इनइक्वेलिटीज Using the concept of location of roots, inequalities using the concept of location of roots, inequalities. केमिस्ट्री हो गया ना जस्ट इसके पहले साहिल केमिस्ट्री इसके पहले हो गया केमिस्ट्री सेकंड लेक्चर था ये मैथ्स का थर्ड है ठीक है चलिए अब शेड्यूल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा मैथ्स की क्लास है केमिस्ट्री हो गया है सेकंड लेक्चर था अब मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दें इनइक्वेलिटी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स मीनिंग क्लियर है इनइक्वेलिटी है क्वाड्रेटिक इन इक्वेलिटी होगी इन जनरल उसको हमें उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करना है लेकिन उसमें अप्लाई क्या होगा लोकेशन ऑफ रूट अप्लाई होगा ठीक है तो क्वेश्चन से ही लेते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट Integral value of P find the smallest integral value of P for which the polynomial P for which the polynomial. Find the smallest integral value of P for which the polynomial FX equals to P minus three X square minus two PX plus five P is positive is Positive for at least one real x. For at least one real x. वन रियल एक्स हाँ बच्चे दिव्यम व्हाट आर यू आस्किंग ट्रिग्नोमेट्री सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन के बाद ठीक है हम अभी आज क्वाड्रेटिक कंप्लीट uh, हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्लास से हम सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे देन वी विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री ओके, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द पॉलिनोमियल एफेक्स जो कि है, इज़ पॉजिटिव क्वरेटिकॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स तो देखें आप ध्यान से आपको जो इन जो पॉलिनोमियल दिया है एफेक्ट्स वो है पी माइनस थ्री एक्स स्क्वे माइनस टू पी एक्स प्लस फाइव पी इट इज पॉजिटिव इट इज पॉजिटिव इज पॉजिटिव फॉर फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स फॉर ऑल रियल एक्स नहीं है फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स क्या ये बात समझ में आ गई क्या और ऐसा भी कोई कंपलसन नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए उन्होंने तो जस्ट बोला पॉलिनोम तो ये जो पॉलिनोमियल है एफेक्ट इट मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स देन वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ पी ठीक है बच्चों तो ध्यान से देखें यहां ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इज़ पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स नहीं फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स अगर फॉर ऑल एक्स होता तो क्या करते फॉर ऑल एक्स होता तो क्या करते फॉर ऑल एक्स होता तो एक्स स्क्वेयर का कॉफिश पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव कर दे बात समझ में आ गई क्या अगर यहां पर फॉर एटलीस्ट वन रियल एक्स के प्लेस पर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर होता तो हम क्या करते फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर होता तो हमारा ग्राफ ये बनता जिसमें हम एक्स स्क्ट ए मतलब पी माइनस थ्री पॉजिटिव लेते और डी को नेगेटिव दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते आंसर आ जाता पी की वैल्यू आ जाती पर ऐसा नहीं है यहां पर क्या बोला है क्वेश्चन में एटलीस्ट वन रियल एक्स तो देखो मैं तीनों केस लूंगा माइनस थ्री एक बार ग्रेटर देन जीरो एक बार पी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और एक बार पी माइनस थ्री लेस देन जीरो समझ में आया क्या जो एक्स का काफिशियंट है पी माइनस थ्री यह हमें क्या क्या लेना पड़ेगा एक बार हम इक्वल टू जीरो लेंगे एक बार ग्रेटर देन जीरो लेंगे एक बार लेस देन जीरो तीनों केस में बात करेंगे ये एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव मिल जाता है फॉर एट एटलीस्ट वन रियल एक्स एक्स की कम से कम एक वैल्यू के लिए भी पॉजिटिव मिल जाता है तो हमारी वो पी की वैल्यू आंसर में इंक्लूड हो ओके okay? तो केस वन केस वन केस वन में क्या लिया मैंने पी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो सबसे तो पी माइनस थ्री लिया तो यहां से पी की वैल्यू क्या मिल गई पी इक्वल जब पी थ्री हो गया तो पी की वैल्यू अगर थ्री है तो चेक कर लो पी की वैल्यू थ्री ली तो ये जीरो हो गया माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव थ्री ग्रेटर देन अब क्या ये जो एक्सप्रेशन बना क्या ये एक्स की कम से कम एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है यस जैसे अगर एक्स की वैल्यू मैंने वन ले ली तो पॉजिटिव मिल गया तो कम से एक्स की वैल्यू टू ली तब भी पॉजिटिव है तो कम से कम x की एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव है यस देयरफॉर इन ऑल वैल्यूज ऑफ p में p इक्वल टू 3 इंक्लूड होगा बात समझ में आ गई क्या p इक्वल टू 3 p की अगर हमें सभी वैल्यू फाइंड सभी तो करना नहीं है स्मॉलेस्ट लेकिन हम पहले p का पूरा इंटरवल फाइंड करेंगे फिर उसमें बता देंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी बात समझ में आ गई क्या तो p इक्वल टू 3 के लिए ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव है फॉर एट एटलीस्ट वन रियल एक्स आंसर में पी इक्वल टू पी की सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी में पी इक्वल टू थ्री इंक्लूड होगा इज इट क्लियर चलिए सेकंड केस पी माइनस थ्री लेस देन जीरो लिए एक्सक्र का नेगेटिव ले लिया अगर नेगेटिव ले लिया है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा जो आपका FX, जो है FX, उसका ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला में देखना एक तो ये केस हो सकता है एक ये केस होता है और एक ये केस होता है टच करने वाला

क्या बचा यहां पर ये x की इतनी वैल्यूज के लिए ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एफ एक्स पॉजिटिव है तो कुछ वैल्यू के लिए पॉजिटिव है तो एटलीस्ट वन वैल्यू के लिए positive. तो इसकी कंडीशन क्या लगेगी रूट आर रियल एंड डिस्टिंग डी ग्रेटर देन जीरो बी अप्लाई कर रहा हूं बी स्क्र माइनस फोर एसी तो फोर थ्री जिफ्टी फोर फाइव फोर ए सी करना है b square 4ac ए सी फोर फाइव ट्वेंटी पी ठीक है बच्चों सॉल्व कर लें फोर से डिवाइड तो p p कॉमन और फोर से डिवाइड तो एक p फाइव बचा p बाहर ले लिया माइनस फाइव पी प्लस फिफ्टीन है ना भाई बच्चों कैलकुलेशन चेक करना फोर से डिवाइड कर दिया तो यहां बचा पी स्क्र एक p कॉमन ले लिया तो एक p बचा फोर फाइव बचा फाइव पी प्लस फिफ्टीन तो p माइनस फोर पी प्लस फिफ्टीन ग्रेटर देन जीरो हाँ इसका सॉल्यूशन बता दो मुझे कोई वेविकर मेथड से इसका सॉल्यूशन इस इनइलिटी का सॉल्यूशन बता दो ऐसा कैसा सॉल्यूशन आएगा आदित्य फिफ्टीन बाई फोर इन का सॉल्यूशन एक वैल्यू थोड़ी आती जीरो कर, सॉल्व करेंगे p बिलोंग्स टू जीरो टू फिफ्टीन बाई फोर आएगा ठीक है ओपन इंटरवल जीरो टू फिफ्टीन बाय फोर तो देखो फर्स्ट केस में केस वन में p की वैल्यू आई थ्री और सेकेंड केस में वेन पी लेस देन थ्री लिया तब पी की वैल्यू पी माइनस थ्री लेस देन जीरो टू फिफ्टीन बाई फोर ठीक है और ये ये क्या है आपकी कंडीशन पी लेस देन थ्री तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना p लेस देन थ्री तो फोर थ्री जो क्या आ जाएगा जीरो टू थ्री आएगा क्या भाई आपने ये जो निकाला d ग्रेटर देन जीरो वो इसी केस में तो निकाला p माइनस थ्री तो इसको और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना इसका और इसका सेकेंड केस में आंसर तो क्या आ जाएगा जीरो टू थ्री आएगा क्या एम आई राइट ओके चलिए अब थर्ड केस की बात करते हैं नाउ वी पी माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो जब p माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा तो देखो अपवर्ड पैराबोला में भी यही तीन केस होते हैं तो इसमें p की बहुत सारी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है ग्राफ p की बहुत सारी वैल्यू और इसमें p की सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है तो एटलीस्ट वन वैल्यू के लिए पॉजिटिव है ही तो यहां से क्या आ जाएगा p ग्रेटर देन थ्री ग्रेटर देन थ्री पर यह हमेशा ट्रू है तो यहां से क्या आएगा पी बिलोंग्स और इस, ये आ गया पी बिलोंग्स टू आर और पी ग्रेटर देन थ्री का इंटरसेक्शन इन दोनों का इंटरसेक्शन तो क्या आएगा पी ग्रेटर तो अब फाइनल आंसर लिखना चाहता हूं ठीक है फाइनल आंसर लिखना चाहता हूं तो फाइनल आंसर मतलब पी की वैल्यूज का सेट लिखना चाहता हूं तो p की वैल्यू जीरो से थ्री सेकेंड केस में थर्ड केस में थ्री से इंफिनिटी और फर्स्ट केस में p इक्वल टू थ्री तो आंसर क्या लिखूं तीनों का यूनियन थ्री इंक्लूड हो गया तो जीरो से थ्री थ्री से इंफिनिटी थ्री इंक्लूड है जीरो टू इन्फिनिटी जीरो टू थ्री क्यों जीरो टू इन्फिनिटी आएगा ना जीरो टू अब क्वेश्चन का आंसर दे अब क्वेश्चन का आंसर दे फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी आप क्वेश्चन वन बिल्कुल सही फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी तो जीरो से इनफाइनाइट में बिल्कुल लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है वन क्या सबको समझ में आया क्या यस yes, मंगलम जो बोर्ड पे दिख रहा है पहले वो नोट कर लो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड है ना आप आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आप उसमें बिल्कुल आपने इंटरेस्ट नहीं लिया चैट आपने ये नजर ने कितनी बार लिख दी है ना यश तो आपको जो बोर्ड पे चल रहा है उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए था ना कि चैट बार बार लिखना चाहिए था हा कुणाल आर्यमा कुणाल आर्यमा समझ में आया क्या, क्या कंसेप्ट आर्यमा सिंह ओके okay. चलिए है ना तो इनइक्वेलिटी इज यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लोकेशन ऑफ रूट ठीक है बच्चों चलिए फट जल्दी से कंप्लीट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हो गया सभी कहा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं ईशान हो गया कंप्लीट यश मंगलम कंप्लीट हो गया हाँ बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फाइव मिनट्स दूंगा इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ minimum value of X square minus two PX X square minus two PX plus P square minus one is equal to if minimum value of x square minus 2 p x plus p square minus 1 is equal to 3 for all x is greater than or equal to 0 then find the value of p then find the value of p okay करेंगे अटेम्प्ट रिया आप क्या पूछ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर जीरो टू इंफिनिटी नहीं लास्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर पी इक्वल टू वन क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ पी तो जीरो टू इन्फिनिटी में स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी वन आएगी सो फाइनल आंसर तो पी इक्वल टू वन होगा अगर क्वेश्चन पूछा जाता फाइंड द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ पी तो आता जीरो टू इनफिनिटी ओके ओके अरे माँ इसका आंसर फाय आ रहा है देखते हैं। चलो चलो मैं कर रहा हूं सॉल्व देखेंगे ध्यान से सेवल टू वन दे रहे हैं कुछ लोग ओ, सिद्ध बोल रहे हैं पी बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर अभी सही किसी का नहीं दिशा पी इक्वल टू वन बोल रहे हैं शायद भी लिख रहा है कोई शायद नहीं यश मंगलम क्या बोल रहे हैं p पी इक्वल टू टू नहीं अब देखो पहले देख लो अब पहले देख लो बच्चों ध्यान से आपका जो एक्सप्रेशन है एफ एक्स एक्सप्रेशन है माइनस टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस इसका ग्राफ बना इसका वर्टेक्स निकाल सकते हो वर्टेक्स क्या आएगा वर्टेक्स वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई टू ए तो कितना आ जाएगा माइनस बी टू पी बाय टू तो क्या आ गया पी और वाइटक्स का वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी बाई फोर एनस तो बी स्क्वेयर फोर पी स्क्वेर माइनस फोर ए सी माइनस फोर पी स्क्वेयर प्लस फोर फोर ए माइनस फोर बाय फोर माइनस वन तो वर्टेक्स क्या क्या आ गया पी कॉमा माइनस वन वर्टेक्स हो गया पी कॉमा माइनस अब देखो ये एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए मिनिमम वैल्यू थ्री नहीं दी है इन्होंने मिनिमम वैल्यू थ्री कब बोली है वेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो अगर आप देखो ग्राफ प्लॉट करें तो यहां पर X की वैल्यू जीरो

तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो वर्टेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा और अगर पी जीरो ही ले लेते हो तो वाइटेक्स यहां आएगा लेकिन अगर वर्टेक्स जीरो ले लेते हैं तो एक्स की वैल्यू जीरो ली तो यहां तब भी नहीं आएगा एक्स की वैल्यू जीरो तो ये तो माइनस वन है ऐसा आएगा अगर p मैंने p की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 ली तो p लेस देन और इक्वल टू 0 लिया ध्यान दें यहां पर मैं चैट बिल्कुल नहीं देख रहा हूं किसी की यहां ध्यान दें p लेस देन और इक्वल टू 0 तो ये वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है तो ये ले लिया मैंने वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट 0 और y की वैल्यू -1 ये होगा वर्टेक्स और इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि ये भी नेगेटिव सॉरी हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों नेगेटिव ओके अब ध्यान दें यहां पर ये केस ले लिए तो अब देखें यहां पर जब पी की वैल्यू आप जीरो लोगे पी की वैल्यू जब जीरो लोगे तब तो मिनिमम वैल्यू -1 हो गई जबकि उन्ने तो क्या बोला मिनिमम वैल्यू -3 होना चाहिए तो ये केस तो हो ही नहीं सकता P की वैल्यू अगर मैंने जीरो ले ली तो मिनिमम वैल्यू यहीं पे वर्टेक्स यही है वर्टेक्स पे ही मिनिमम होता है ग्राफ तो मिनिमम वैल्यू तो जीरो हो गई सॉरी P इक्वल टू जीरो पर एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस वन हो गई जबकि मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए हमें थ्री तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है इस केस की बात करें यहां पर अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो रख लू एक्स की वैल्यू हमें कहाँ देखना है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ग्राफ आपका ऐसा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा तो ये मिनिमम वैल्यू है तो मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आ रही जीरो पर एफ जीरो जीरो कैलकुलेट कर लें एफ जीरो की वैल्यू पी स्क्वेयर माइनस वन और मिनिमम वैल्यू इनने दी है थ्री तो पी स्क्वेयर माइनस इक्वल टू फोर तो पी इक्वल टू प्लस माइनस टू लेकिन ये पी लेस देन और इक्वल टू जीरो वाला केस है इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा पी इक्वल टू माइनस टू ये समझ में आया क्या समझ में आया क्या पहला केस लिया मैंने पी लेस देन और इक्वल टू जीरो

तो p की वैल्यू -2y क्योंकि p लेस देन और इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व कर रहे थे ठीक है अब सेकेंड केस अगर हम p ग्रेटर देन 0 ले लें क्योंकि तो लेस देन और इक्वल टू 0 तो ले लिया बचा केस p ग्रेटर देन 0 अगर p ग्रेटर देन 0 लोगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा p ग्रेटर देन 0 x कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का पॉजिटिव होना चाहिए और इस केस में अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है मतलब पी की वैल्यू पॉजिटिव है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, तो वैल्यू माइनस वन ही रहेगी तो ये केस भी रेजेक्ट हो गया। समझ में आया क्या? तो फाइनल आंसर बताओ इस केस में पी बिलोंग्स टू फाइव इस केस में और इस केस में पी इक्वल टू फर्स्ट केस में पी इक्वल टू माइनस टू तो आंसर क्या लिखूंगा पी इक्वल्स टू माइनस टू समझ में आया कि सभी को समझ में आ गया क्या सभी को ठीक है दक्ष सभी को समझ में आ गया नोट कर रहे हैं है ना फास्ट नोट करेंगे भाई में देखो वर्टेक्स मिनिमम वैल्यू एक्स ग्रेटर टू जीरो मिनिमम और ग्राफ ऐसे ही बनेगा क्योंकि पी हमने पॉजिटिव ले लिया पॉजिटिव ले लिया मतलब पी पॉजिटिव ले लिया मतलब फर्स्ट मतलब एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बनेगा वो तो जब पी पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस वन इसके बाद तो ग्राफ ऊपर जा रहा है तो एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई माइनस वन और उन्होंने तो थ्री दी है इसलिए रिजेक्ट सेकंड ओके समझ में आ गया कि सभी को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए कंप्लीट हो गया है सभी का जल्दी करें दिव्यम क्योंकि बाकी सभी लोगों का कंप्लीट हो गया कहाँ है एक्स लेस देन जीरो एक्स तो ग्रेटर देन जीरो है Yes, क्या पूछ रहे हैं अगर क्वेश्चन में एक्स लेस देन जीरो अकॉर्डिंग कंडीशन बनाएंगे अगर क्वेश्चन में एक्स लेस देन जीरो होता, तो उसके अभी ग्रेटर है इसलिए कंडीशन बनाई है दक्ष देखो माइक चालू मत कराया करो आई थिंक चलो मैंने कर दिया चालू बोलो सर मैं बोल रहा था मैंने x की वैल्यू पहले इसमें दी हुई है थ्री और ऑल x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो सर मैंने जब जीरो वैल्यू रखी x की तो पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू थ्री आ रहा था तो सर उससे भी है ना b इक्वल टू प्लस माइनस टू आ रहा था और फर, सर जो फर्स्ट तो, देखो तो जीरो रख जीरो पे ही तो मैंने भी निकाली है ना एफ जीरो से ही तो मेरा भी प्लस माइनस टू आया तो आप जो बोल रहे हैं वो यही तो है सर जैसे फर्स्ट केस केस में भी तो ऐसा कर कर सकते हैं सेकंड केस को एलिमिनेट दिया ये क्या माइनस वन इसकी इस मिनिमम वैल्यू है नहीं कर सकते ना माइनस वन मिनिमम वैल्यू कैसे ले लोगे आप जबकि ग्राफ तो हमारा इतना पोर्शन तो है ही नहीं ना ग्राफ तो यही से स्टार्ट तो कहलाएगा ना ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो के लिए हाँ सर ओके सर ठीक है ठीक है जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो देख रहे हैं तो ये लेफ्ट का तो ग्राफ है ही नहीं वैलिड ही नहीं अपन को तो यहीं से देखना है हाँ सर वो अपने इक्वेशन के लिए ऐसा पूरा ग्राफ बनाया बाकी है उतना तो अपन को लेना नहीं है ठीक है ओके सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए कंप्लीट हो गया ये सभी का फाइंड the set of values of m find the set of values of m for which for which एम एक्स स्क्वेर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एम प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो आप लोग करेंगे फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच एम एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एम प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो आप लोग करेंगे चलिए ट्राई करें ठीक है, बिल्कुल आरुषि सही है सगुन सही है सगुन का सही है आर्यमा आपका थोड़ा मिस्टेक है आदित्य सही है तो हमें वही केस लेना है भाई आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो है एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एम प्लस वन एम एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एम प्लस वन राइट अब एक्स स्क्वायर का कॉफीशेंट वही तीन केस ले लेते हैं एम जीरो सेकेंड केस एम पॉजिटिव और थर्ड केस एम नेगेटिव तो एम नेगेटिव की रिक्वायरमेंट है क्या एम नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला पैराबोला बनेगा नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड बनेगा हाँ मैं बोल रहा हूं एम नेगेटिव होगा अगर तो पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा कैसे कौन कौन से केसेस हो सकते हैं ये केस है. है ना तो ये केस लेने की जरूरत ही नहीं है क्यों क्यों नहीं है बताओ इस केस में फायदा आएगा क्योंकि आप तो देखो ग्राफ बनाओगे तो कैसे बना सकते हो आप ऐसा भी बना सकते हो ये भी बना सकते हो तो आप कोई सा भी ग्राफ बनाओ देखो एक्स की वैल्यू जब पॉजिटिव लोगे तो ग्राफ तो नीचे जाएगा ही माइनस इनफाइनाइट पर तक ठीक है तो एक्स जो ग्राफ है वो नेगेटिव हो गई होगा भाई तो ग्राफ तो नेगेटिव होगा ही और हमें एफ एक्स की वैल्यू क्या चाहिए ग्रेटर देन चाहिए क्या ये बात समझ में आई क्या थर्ड केस समझ में आया सबको क्योंकि जब मैं एम नेगेटिव लूंगा तो ग्राफ यही बना सकता हूं अब ये बनाऊंगा तो मैंने देखो की कुछ वैल्यू के लिए पॉजिटिव आया लेकिन एक्स की कुछ पॉजिटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव भी आ रहा है और हमें क्या चाहिए एक्स की सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए FX का ग्राफ पॉजिटिव ही होना चाहिए तो एफ एक्स तो ऑलवेज नेगेटिव आएगा यहां भी ऑलवेज बस इस केस में ही डर था तो इसमें भी आप कुछ वैल्यू के लिए तो पॉजिटिव आएगा बाकी तो फिर कुछ के लिए नेगेटिव आएगा ही आएगा हाँ x ग्रेटर देन जीरो बोला है ना तो x ग्रेटर देन जीरो बोल तो इसीलिए तो नहीं ले सकते ना x की सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव होना चाहिए x की सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए x की सभी पॉजिटिव वैल्यू ओके okay? तो थर्ड केस तो लेने की जरूरत है फर्स्ट केस जब एम को जीरो लोगे को जीरो लिया आपने तो माइनस फोर एक्स प्लस वन तो माइनस तो एक आएगी एक्स जीरो रखा तो वाई वन वाई जीरो रखा तो एक्स वन बाय फोर इस तरह से लाइन आएगी आएगी क्या देखो वाई जीरो रखा तो x की वैल्यू वन बाय फोर और x जीरो रखा तो y की वैल्यू वन ये लाइन आएगी हाँ तो ये लाइन देखो क्या x की सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये लाइन x की सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए जीरो से इनफाइनाइट तक पॉजिटिव है क्या कुछ वैल्यू के लिए तो पॉजिटिव है लेकिन x की कुछ वैल्यू के लिए कुछ पॉजिटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव भी दे फॉर एम कैन नॉट बी जीरो क्या फर्स्ट और थर्ड केस सबको समझ में आ गया क्या फर्स्ट केस में भी एम इक्वल टू जीरो लिया था तो एम इक्वल नॉट जीरो आ गया सेकेंड केस में एम लेस देन जीरो जब भी था तो एम की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं आ रही एम बिलोंग टू फाइव अब सेकेंड केस की बात करना है सेकेंड केस ठीक है क्या फर्स्ट थर्ड केस क्लियर है सेकेंड केस जब एम पॉजिटिव है तो देखो अगर एम पॉजिटिव है तो एक तो ये ग्राफ बना दें इसमें भी दो केस बना सकते हैं अपन है ना ये, स, ये इस केस की बात चल रही फर्स्ट केस ये थर्ड केस ये सेकंड हाँ एम जब पॉजिटिव है एम पॉजिटिव है तो अगर ये ऐसा पैराबोला ये देखो x की सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव इसमें कोई डाउट तो ये कब बनेगा ग्राफ x की सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव तो ये ग्राफ कब बनेगा जब अपवर्ड पैराबोला बनाया तो m ग्रेटर देन जीरो एंड d लेस देन जीरो m ग्रेटर देन जीरो d लेस देन जीरो क्या ये बात समझ में आई क्या सबको और अब देखो ये सेकेंड केस में एक और केस पॉसिबल है ना तो यहां इसको सॉल्व कर लें डी स्वयं निकालो डी मतलब बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी फोर एम थ्री एम प्लस वन डी तो बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी एम थ्री एम प्लस वन लेस देन जीरो तो फोर से डिवाइड माइनस थ्री एम स्क्वेयर माइनस एम थ्री एम स्क्वेयर प्लस एम माइनस फोर तो थ्री फोर जल्द थ्री एम स्क्वेयर प्लस फोर एम माइनस एम माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो तो एम थ्री एम प्लस फोर माइनस वन नहीं? फोर एम माइनस थ्री एम थ्री एम प्लस फोर अरे थ्री एम प्लस फोर एम माइनस वन ग्रेटर देन जीरो एम बिलो टू माइनस इन्फिनी टू वन यूनियन नहीं माइनस इन्फिनिटी टू माइनस फोर बाय थ्री यूनियन वन टू इन्फिनी विवीकर मेथड और इधर है एम ग्रेटर देन जीरो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा नेगेटिव तो आई नहीं पाएगा टू समझ में आया क्या नहीं एक्स एक्सिस को टच अगर कर दिया तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा भाई अगर एक्स एक्सिस को टच करा दू मैं टच करा जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो चलिए अभी अभी भी अभी भी इनकम्लीट है भाई में में तो ये तो कोई वैल्यू आई नहीं थर्ड केस में सॉरी मिडिल केस जो सेकंड केस है उसमें क्या आया आपका वन टू इन्फिनिटी आया अभी भी थोड़ा बाकी है देखें ध्यान से देखेंगे बच्चों ग्राफ मैंने ऐसा बनाया अगर ग्राफ में ऐसा बनाऊं वर्टेक्स ले लिया बच्चों और बड़ा बना वर्टेक्स नेगेटिव ले लिया देखना ध्यान से अब एक्स की वैल्यू जब भी ग्रेटर देन जीरो है तो ये ग्राफ देखो बिल्कुल क्लियर ग्राफ वर्टेक्स नेगेटिव भी ले सकते हैं वर्टेक्स अगर जीरो भी ले लू मैं तो भी क्या दिक्कत है वर्टेक्स जीरो भी ले लिया तब भी ये जो ये जो ग्राफ बना अब आपका वायटेक्स जीरो लेने के बाद भी जो ग्राफ बना वो ऑलवेज पॉजिटिव है देखो जीरो को छोड़ दे क्योंकि जीरो तो है ही नहीं एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए बात कर रहे हैं अपन एक्स है ना क्वेश्चन में हम किसके लिए बात कर रहे हैं देखो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए बात कर रहे हैं तो एक्स ग्रेटर देन जीरो में तो एक्स जीरो तो इंक्लूड है ही नहीं जीरो से ग्रेटर के लिए ये हमेशा पॉजिटिव और समझ में आया क्या ये इस केस में भी एक्स की वैल्यू जब भी जीरो या ग्रेटर तो एक्स की सभी वैल्यू के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव ग्राफ इतना ये तो लेना ही नहीं ये पार्ट तो अपने ग्राफ में इंक्लूड ही नहीं लेकिन फिर भी वर्टेक्स तो नेगेटिव है यहाँ पर और वर्टेक्स जीरो भी हो सकता है तो वर्टेक्स की वैल्यू नेगेटिव या जीरो हो सकती है पहली कंडीशन इसमें ही समझ में आया कि बच्चों इसमें अपवर्ड पैराबोला, m ग्रेटर देन जीरो और सॉरी, m ग्रेटर देन जीरो एंड जो वर्टेक्स है वर्टेक्स क्या आएगा वर्टेक्स क्या आएगा आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है उसका वर्टेक्स निकालो माइनस बी बाय टू ए फोर बाय टू म पॉजिटिव ये वर्टेक्स क्या होना चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है वर्टेक्स और जीरो भी चले समझ में आया क्या ठीक है और एक और कंडीशन एफ जीरो की वैल्यू एफ जीरो की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और एफ जीरो की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती ठीक है क्या ये केस भी सबको समझ में आया क्या थोड़ा डिफिकल्ट केस होता है समझना x ग्रेटर देन और टू जीरो, 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 जीरो फंक्शन की वैल्यू जीरो पर पॉजिटिव भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है बस इसको सॉल्व कर लो हाँ यहां से फोर पॉजिटिव है तो एम क्या होना चाहिए नेगेटिव इसका सॉल्यूशन और ये m ग्रेटर देखो यही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ये m पॉजिटिव ये जीरो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं m पॉजिटिव और ये सेकंड कंडीशन में आ गया m नेगेटिव तो m बिलोंग्स टू 5 सुनना फर्स्ट केस में m जब जीरो लिया था तो कोई सॉरी so, m की कोई वैल्यू नहीं मिली थर्ड केस में m की कोई वैल्यू नहीं मिली सेकेंड केस में भी दो केस है ग्राफ ऐसा भी बन सकता है वहां में हमने ये निकाला वन टू इंफिनिटी और उसका सेकेंड केस सेकेंड का फर्स्ट केस सेकेंड का सेकेंड केस सेकेंड में भी दो केस हैं तो सेकेंड में फाइ आ गया फर्स्ट में वन टू इन्फिनिटी तो फाइनल आंसर एम बिलोंग्स टू वन टू इंफिनिटी ठीक है समझ में आया कि सबको आंसर तो दे दिया था काफी स्टूडेंट्स ने ठीक है बच्चों कंप्लीट हो गया चलिए क्लियर भी है सभी को हाँ मैं ग्रुप पर बोर्ड शेयर कर दूंगा लेकिन इसमें बस ये थोड़ी सी इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत रहेगी क्योंकि अपन जब ये इसको आगे पीछे ले लेते हैं तो कौन सा पोर्शन आएगा पूरा तो नहीं आएगा है ना क्वेश्चन नहीं आएगा ये इतना आ जाएगा ठीक है ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आए है ना तो हमारा ये सिलेबस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं अभी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे मेरे पास कुछ आप, आपकी बैच के कुछ स्टूडेंट्स के बिगिनर बॉक्स सिक्स के कुछ एक का एक डाउट आया है मैं वो डाउट डिस्कस कर रहा हूं बिगिनर बॉक्स सिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिगिनर बॉक्स सिक्स का क्वेश्चन नंबर इलेवन ये कंप्लीट हो गया हाँ क्वेश्चन भी दिखा दू चलिए क्वेश्चन भी देख लो भाई एम लेसन और इक्वल टू जीरो कहां पर कहां पर बोल रहे हैं आप एम लेस देन और इक्वल टू जीरो सेकेंड केस में सेकेंड केस में तो एम ग्रेटर देन जीरो एम इक्वल टू जीरो थर्ड केस है एम लेस देन जीरो सेकेंड केस लास्ट में एम बिलोंग्सिटी तो, तो नहीं ले सकते भले हो बस तीसरा मैंने सोल्व ही नहीं किया क्यों क्योंकि लेस देन जीरो इंटरसेक्शन फाइव हो इंटरसेक्शन फाइव हो जाएगा ओके चलिए कंप्लीटेड सभी का okay, तो अब हम बीबी सिक्स बिगनर बॉक्स सिक्स तो आदित्य क्या वो डाउट मुझे सेंड किया था आपने कि किसी और टीचर को सेंड हुआ था अगर मुझे सेंड हुआ होगा तो मैं मैं जरूर करूंगा उसको कंप्लीट लेकिन अगर मुझे सेंड नहीं हुआ होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा है ना ई सॉल्यूशन ऐप पर मुझे डाउट मिलेगा तो मैं करूंगा यस मेरे पास ठीक है बच्चों है ना तो वो जिस टीचर के पास जाएगा वही कर पाएंगे है ना चलिए बच्चों मैं बीबी सिक्स का क्वेश्चन नंबर इलेवन कर रहा हूं बिगनर बॉक्स सिक्स क्वेश्चन इलेवन बिगनर बॉक्स सिक्स क्वेश्चन इलेवन क्वेश्चन इलेवन में बोला है ए अल्फा इज द रूट ऑफ ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इसका रूट है अल्फा फिर ए स्क्र एक्स स्क् माइनस बी एक्स ए स्क्वेयर एक्स स्क् माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू जीरो का रूट है बीटा ठीक है इस इक्वेशन का रूट है अल्फा इस इक्वेशन का रूट है बीटा ठीक है और एक और इक्वेशन है ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस टू बी एक्स प्लस टू सी ए स्क्र एक्स स्क्स टू बी एक्स प्लस टू सी इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन का रूट गिवन है गामा ठीक है बच्चों तो हमें इस इक्वेशन का रूट गिवन है अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट गिवन है बीटा और थर्ड क्वाड्रेटिक गिवन है उसका रूट गामा और अल्फा बीटा गामा रिलेशन में रिलेशन ऑप्शंस में दिए हुए देर आर रिलेशन अल्फा बीटा इन ग्वेश्चन तो देखो ध्यान से देखना पड़ेगा हमें अल्फा इस इक्वेशन का रूट है और एक ही रूट दिया है सो अल्फा विल सेटिस्फाइड क्या ये बात समझ में आ गई क्या सबको ठीक है बीटा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन सो बीटा विल सेटिस्फाइड इक्वेशन से राइट अब हमें इसका रूट गामाज है वो अल्फा बीटा से रिलेटेड तो इस इक्वेशन को मैं अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्ट से डिनोट कर दूफ से डिनोट कर दिया तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई एफ एक्स इक्वल टू जीरो है ना अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड को एफ से जिसका रूट गामा है और इसका एक रूट क्या हो जाएगा गामा इसका रूट क्या गिवन है इस इक्वेशन का रूट हमें गिवन है एफ का गामा ठीक है क्या समझ में आई बात अब ये जो एफ जो इक्वे एफ इक्वल टू जीरो जो इक्वेशन है उसका रूट गामा है उसको हमें इन दोनों इक्वेशंस के रूट्स अल्फा बीटा से रिलेट करना है तो मैं ये जो एफ अल्फा निकालता हूं इसलिए मैं क्या निकाल रहा हूं एफ अल्फा ये जो क्वरेटिक है एफ एक्स इक्वल टू जीरो उसमें पहली इक्वेशन का रूट सब्सटीट्यूट किया तो क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी ए स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी ये कहां से आया हाँ, और ये एक मिनट क्वेश्चन में सी नहीं है क्या क्वेश्चन में यहाँ पर टू सी एक्टली यहाँ टू सी राइट क्वेश्चन में टू सी तो यहाँ भी क्या आएगा टू सी ठीक है बच्चों अब देखो ध्यान दें यहां पर ये यह हमें रिलेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर की वैल्यू अगर हम निकालें या यहां से इसको ए अल्फा स्क्स टू कॉमन ले लिया तो क्या बचा बी अल्फा प्लस सी बी अल्फा प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ए स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर ए स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर टू माइनस ए स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर तो क्या आ जाएगा ए स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर माइनस टू ए स्क्वेयर अल्फा स्क्वेयर तो फाइनली माइनस ए स्क्र अल्फा स्क्वेयर ये समझ में आया क्या एफ अल्फा मतलब एफ अल्फा एक तरीके से नेगेटिव आ गया

ठीक है बच्चों एफ बीटा की वैल्यू ए स्क्र बीटा स्क्वेयर प्लस टू बी बीटा प्लस टू सी तो देखें ए स्क्र बीटा स्क्वेयर प्लस टू कॉमन ले लिया तो क्या बचा बी बीटा प्लस सी ए स्क्र बीटा स्क्वे प्लस बी बीटा प्लस सी की वैल्यू उधर ले गए तो आ गई ए स्क्र बीटा स्क्वेयर तो ये टू ए स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर तो यह हो गया थ्री ऐसा कोई पॉइंट पढ़ाया है क्या याद करो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में फाइव पॉइंट्स लिखाए थे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में फाइव पॉइंट्स आपको बताए थे उसमें एक पॉइंट इससे भी रिलेट करता है, है ना वो पॉइंट ये था कि अगर एफ एक्स लेट एफ एक्स इक्वल टू जीरो लाइज इन द इंटरवल ओपन इंटरवल ए कॉमा बी फिर से बता रहा हूं ध्यान से सुने ये पॉइंट हमने लिखा हुआ है कॉपी में कि अगर लेट एफ एक्स इक्वल टू जीरो बी एन इक्वेशन एंड A and B are two real numbers such that F A into F B is negative that is F A and F B are of opposite sign then at least one root of the equation F X equal to 0 lies in the open interval A B. So, here F X equal F alpha or F beta opposite sign can therefore, at least one root

दे आर फॉर गामा लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है अल्फा लेस देन बीटा क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है अल्फा है ना क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है सो दिसा इज लेस देन बीटा एंड मोर देन अल्फा गामा इज लेस देन बीटा एंड मोर देन अल्फा ये ऑप्शन डी ऑप्शन डी नहीं आदित्य लिखा नहीं होगा पूरा भाई जैसे एफ अल्फा निकाल भाई सॉल्यूशन में क्या करते हैं जैसे बुक्स वगैरह में भी देखोगे आप तो एफ अल्फा एफ अल्फा डायरेक्ट लिख देते लेस देन जीरो अब मैंने तो कैलकुलेट करके बताया ना कि एफ अल्फा लेस देन जीरो कैसे आया ठीक है आदित्य और अब मैं अगर ये यही एफ अल्फा लेस देन जीरो और एफ बीटा ग्रेटर देन जीरो डायरेक्ट लिख देता तो फिर कैलकुलेशन कहां बचा था फिर तो यही बची थी दो लाइन लिखना ठीक है ठीक है बच्चों समझ में आ गया क्या कंप्लीट हो गया बढ़िया, कंप्लीटेड बच्चों किसका माइक ऑन है वो ऑफ करें सबसे पहले ठीक है चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और कर रहे हैं इफ एबीसी बिलोंग्स टू वन टू थ्री फोर फाइव इफ एम बी कॉमा सी बिलोंग टू थ्री फोर फाइव है ना एक सेट है जिसमें फाइव एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव और एबीसी की वैल्यू इनमें से कोई सी भी हो सकती है देन द नंबर ऑफ पॉडर फाइंड द नंबर ऑफ इक्वेश फॉर्म देन फाइंड द Number of equations of the form The number of equations of the form Ax square plus Bx plus C equal to zero. छ हैियल रूट्स वेच है रियल रूट्स क्या क्वेश्चन समझ में आ गया कि सबको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सभी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है plus BX plus C. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं प्रोवाइडेड और एबीसी किसमें से लेना है ए की वैल्यू भी वन टू थ्री फोर फाइव में से ले सकते हैं बी की वैल्यू भी वन टू थ्री फोर फाइव सी की वैल्यू भी वन टू थ्री फोर फाइव में से ले सकते हैं तो हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर फॉर्मड ओके Yes. चलिए पहले तो अगर मैं बोलूं कि इस फॉर्म कितनी टोटल कितनी इक्वेशंस बन पहले, पहले कि बनेंगी ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्स प्लस सी इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू वन टू थ्री फोर फाइव बी बिलोंग्स टू वन टू थ्री फोर फाइव सी बिलोंग्स टू वन टू थ्री फोर फाइव पहले इसका आंसर बताएं फिर वो एंसर बताएं कि कितनी इक्वेशंस के रूट्स रियल होंगे? नहीं विवेक टेन नहीं बनेगी टोटल इक्वेशन फिफ्टीन भी नहीं बनेंगी टेन एंड बहुत आर दिव्यम सिक्स भी नहीं हाँ चिराग ने आंसर सही दिया चिराग का आंसर सही है दिव्यम गलत है आपका आंसर चिराग का सही आयुष बड़सा यह आपका भी रॉन्ग हो रहा है दक्ष आपका भी है, हाँ, देखो टोटल मैं बता रहा सुनो ध्यान ए की वैल्यू यहां वन फिक्स कर दी और बी की वैल्यू भी वन फिक्स कर दी वन वन फिक्स कर दिया और सी की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो टू थ्री फोर फाइव तो कितनी इक्वेशन बन गई ये फोर ठीक है तो कहने का मतलब मैं कितने से ले सकता हूं फाइव से ले सकता हूं ए की वैल्यू वन ले सकता हूं टू ले सकता हूं थ्री ले सकता हूं फोर ले सकता हूं फाइव बी की वैल्यू भी फाइव ले सकता हूं फाइव वे से सिलेक्ट से कर, कर सकता हूं तो क्या आ जाएगा आंसर फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव वन ट्वेंटी फाइव टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी वन ट्वेंटी फाइव टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी वन ट्वेंटी फाइव राइट है ना तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा क्वेश्चन क्या पूछा है तो बता सकते हैं आंसर अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो रियल रूट्स की कंडीशन लिखे पहले रियल रूट्स कब होते हैं और फिर बताएं हाउ मेनी क्वाड्रेटिक रूट्स Yes. हाँ, मैंने ऐसे बताया कि टोटल वन ट्वेंटी बनेगी मैंने बताया को की वैल्यू भी क्या क्या ले सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सी की वैल्यू भी क्या क्या ले सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव ए को फाइव वे से ले सकते हैं बी को भी फाइव वे से ले सकते हैं सी को भी फाइव वे से ले सकते फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव वन ट्वेंटी फाइव ठीक है तनिषा ठीक है अब हमें वो सारी टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं चाहिए हमें तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिनके रूट्स रियल हैं तो सुने रियल रूट्स की कंडीशन डी इक्वल टू डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो यही होती है सो बी स्क्र माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मतलब बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर ये समझ में आया क्या बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू

समझ में आया तो जब बी की वैल्यू वन लेंगे तो ए और सी की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल फॉर बी इक्वल टू वन अगर बी वन ले लोगे तो कोई नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एक भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी बी इक्वल टू वन लेने पर ए और सी पॉसिबल नहीं है जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप से रियो ये बात समझ में आई क्या क्यों नहीं है वो बताया मैंने वन का स्क्वायर वन अब ए और सी कम से कम वन तो लेना ही पड़ेगा वन वन भी लोगे तो फोर हो जाएगा वन ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर नहीं हो सकता ओके okay? चलिए अब बी की वैल्यू टू लो बी की वैल्यू टू लो थ्री लो फोर लो और फाइव जब बी की वैल्यू टू ली तो टू का स्क्वेयर फोर हो गया अब ए और सी की वैल्यू वन ले लोगे तो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर ट्रू तो यहाँ एना और है ना और अगर मैं ए को टू कर दू तो एट हो जाएगा और यहाँ तो, और C, 1, 1. तो एक ही केस आएगा ए और सी वन वन तो नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन समझ में एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जब बी को टू लिया और ए और सी को वन वन लिया ठीक है अब थ्री ले लिया तो थ्री ले लिया तो थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया नाइन हो गया तो यहाँ वन वन हो गया फोर के साथ में वन वन हो जाएगा ग्रेटर है नाइन एट से ग्रेटर है है ना तो जब थ्री लिया तो वन वन केस आ जाएगा अब मैंने को टू ले लिया और सी को वन ले लिया एक को टू और सी को वन तो ये एट हो गया और यहाँ नाइन है ये भी चल जाएगा फिर टू वन ले लें तो फोर टू अब अगर थ्री वन ले लिया थ्री वन तो ट्वेल्व हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा और यहाँ नाइन है तो यहां इस केस में केवल तीन केस है समझ में आया क्या थ्री केसेस ठीक है अब जब मैंने बी को फोर लिया तो सिक्सटीन हो गया बी फोर लिया तो सिक्सटीन हो गया तब ए और सी क्या क्या ले सकते हो वन वन ले सकते हो ए और सी को फिर मैंने वन टू और टू वन वन टू और टू वन भी ले सकते हैं तीन केस तो ये यह के यही तो वन टू और टू वन पे एट हो गया अब वन थ्री ट्वेल्व हो जाएगा वन थ्री थ्री वन 12 और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड तो 16 है ग्रेटर 22 ले लें ये भी चलेगा 14 ले लें वो भी चल जाएगा 41 भी चलेगा समझ में आया क्या क्योंकि 41 14 16 16 के इक्वल है केसेस समझ में अकाउंट करते हैं तीन दो पांच तीन आठ कितने केसेस हैं आठ राइट यहां तक समझ में आया सर सर 45 नहीं ले सकते क्या अगर फोर फाइव लोगे तो फोर फोर झा सिक्सटीन फाइव जै एट्टी हो गया ये तो और यहाँ तो अभी सिक्सटीन ही है तो सिक्सटीन एटीन से ग्रेटर एट्टी से ग्रेटर होगा क्या नो सर ठीक है समझ में आया क्यों नहीं ले सकते यस अब फाइव लिया जब बी की वैल्यू फाइव ली तो ट्वेंटी फाइव आ गया ट्वेंटी फाइव में ये एट केस तो सेम आएंगे ही आएंगे क्योंकि यहाँ मैक्सिमम सिक्सटीन तक पहुंचा था अभी ए को वन और सी को फोर तो फोर इंटू फोर सिक्सटीन तक ही पहुंचा था अब अगर मैं ए को टू और सी को थ्री ले लू ए को टू सी को थ्री तो कितना हो जाएगा ये तो ट्वेंटी फाइव हो गया बी फाइव लिया टू और थ्री सिक्स सिक्स फोर जो ट्वेंटी फोर चलेगा थ्री टू भी चलेगा वन फाइव भी चलेगा फाइव वन भी चलेगा हाँ बच्चों अब मैं सोचू टू फोर ले लू यहां टू फोर एट फोर था था जब थर्टी टू जबकि लेफ्ट में ट्वेंटी नहीं चल पाएगा तो ये पूरे एट केस ये और ये फोर केस ये टोटल कितने केस आ गए समझ में आया क्या जब बी को वन लिया तो ए और सी के लिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जीरो केस बी को टू लेने पर वन केस बी को थ्री लेने पर थ्री केस बी को फोर लेने पर एट केस बी को फाइव लेने पर ट्वेल्व केस टोटल केसेस काउंट कर 24, 24. so answer will be कुनाल जब एबीसी की वैल्यू वन से एट्टी तक ले लोगे तो बहुत सारे केस बनेंगे और तब हम एक लेकिन प्रोसीजर काउंट करने वाले ही तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे वो थीके? जो काउंट ही नहीं कर सके अपन है ना एबीसी की वैल्यू फाइव सिक्स तक दे सकते हैं सेवन दे सकते हैं अब आप बोलो आ, अगर ये, ही बढ़ा दे, एक वैल्यू ही बढ़ा दे तो बहुत सारे केस आ जाते हैं तो अगर आप एट्टी तक ले जाओगे नहीं कोई अदर मेथड नहीं है कुनाल कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमें काउंट ही करना पड़ेगा नहीं है ना तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया है नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन हां बिगनर बॉक्स सिक्स के सॉल्यूशन दे दिए थे मैं आज बिगनर बॉक्स सेवन के सॉल्यूशन दूंगा हाँ प्रैक्टिस सीट हमारी कहां तक हुई है प्रैक्टिस सीट कहां तक कर चुके हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ट्वेंटी थ्री है ना तो प्रैक्टिस दूंगा एक और एक्सरसाइज वन के कुछ क्वेश्चंस ठीक है कौन सा डे है यशमंगलम वर्ल्ड यशमंगलम हाँ क्या आप प्रोनंस बोल के बताओ माइक ऑन है बोल के बताओ यस बोल के बताओ भाई आदित्य हाँ ये क्वेश्चन मेरे पास है मैं आपको ई सॉल्यूशन ऐप पर आपको सेंड कर दूंगा ठीक है आदित्य ठीक है आज ही सेंड कर दूंगा चलो ओके देन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास राइनोसिरस अच्छा राइनोसिरस ओके चलिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ओके बाय सी यू थैंक यू सर बाय सर बाय थैंक यू सर बाय सर थैंक यू सर बाय सर